हैं मित्रों, छात्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। आज हम केमिस्ट्री के 25 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन में मैं YouTube वीडियो के साथ साथ आपको PDF भी मैं अपलोड करवा रहा हूँ। उसको डाउनलोड करके पहले क्वेश्चन को देख लें और तदुपरांत जो है क्वेश्चन के डिस्कशन को देखें तो बहुत फायदा होगा आप लोगों को, और आप लोगों के हित के लिए ही मैंने ये प्रक्रिया अपनाई है। चलिए तो बात करते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले 864 नंबर क्वेश्चन, केमिस्ट्री में मैंने एटम, मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स से प्रारंभ किया है इस टॉपिक को। और देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपको 864 नंबर प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटोनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाता है? तो प्रोटोन की संख्या अगर समान होगी, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी, तो ऐसे तत्वों के परमाणु को समस्थानी कहा जाता है। यानी समान तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, अर्थात तो द्रव्यमान संख्या जैसे ही भिन्न होगा तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाएगी, तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो ऐसे तत्वों के परमाणुओं को समस्थानी कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 1H1, 1S2, 1S3। ठीक इसी प्रकार यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, 92U235 और 92U238। आपको ये भी पता होगा, बहुत बार मैंने क्लास में बताया है कि 235 जो है वो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में भाग लेता है, जबकि 238 जो है आपको हमारे जो प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 99.3% यह प्रकृति में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिकी में 865 नंबर प्रश्न, तो 864 नंबर प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। 865 नंबर प्रश्न देखिए, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। तो जब भी चतुर्थ आयाम की बात होगी, फोर्थ डायमेंशन की बात, देखिए 3 प्रकार का डायमेंशन होता है, एक्स, वाई, जेड, और एक और डायमेंशन के बारे में, चतुर्थ डायमेंशन के बारे में सबसे पहले आइंस्टीन ने बताया था कि देखिए भाई ठीक है, हमारा जो अंतरिक्ष होता है उसमें स्पेस और टाइम के बीच जो रिलेशन होता है उसको व्यक्त करने के लिए फोर्थ डायमेंशन का प्रयोग हम लोग करते हैं, यूजेस करते हैं, और इसके बारे में सबसे पहले आइंस्टीन ने बताया था। ऐसे पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है वह बोस आइंस्टीन संघनन होता है, इसके बारे में भी सबसे पहले आपको आइंस्टीन ने ही बताया था। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सबसे पहले नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था, और प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत क्या है कि जब मान लीजिए धातु का प्लेट है और इस धातु के प्लेट पर निश्चित ऊर्जा हम लोग आघात करते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है, इसी घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 866 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। आपको अच्छे से पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सबसे पहले न्यूटन ने दिया था, और न्यूटन ने बताया क्या कि जब दो वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है उसके बीच जो लगने वाला बल होता है वह द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह न्यूटन का सिद्धांत है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, लेकिन अगर पुराने समय की हम लोग बात करें तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था आर्यभट्ट ने, याद रखना है, सबसे पहले प्राचीन समय में गुरुत्वाकर्षण के बारे में आर्यभट्ट ने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 867 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सार्वभौमिक सिद्धांत दिया था। तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसको भी थोड़ा सा डील कर लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है गैलीलियो, तो गैलीलियो ने, ध्यान में रखना है, गैलीलियो ने सबसे पहले, आपको पता होगा कि इन्होंने बताया, इन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया और इसके द्वारा इन्होंने सौरमंडल का अवलोकन किया और देखा क्या कि हमारे जो सौरमंडल है उसमें कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है और पृथ्वी का कौन सा क्रम है। तो ये सौरमंडल का जो आकार है, सौरमंडल की संरचना जो है, उसका प्रथम प्रायोगिक अध्ययन अगर कहिए तो गैलीलियो ने किया था। चलिए इसमें दूसरा जो ऑप्शन है केपलर ने ग्रह गति का सिद्धांत दिया था। आप सब लोगों को पता होगा कि ग्रह जो है वह पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। और कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इनके अनुसार पृथ्वी के का जो सौरमंडल जो है उसके केंद्र में सूर्य होता है और उसके चारों तरफ पृथ्वी
दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती रहती है। तो ध्यान में रखना है कि ये सिद्धांत दिया कोपरनिकस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण है, और कथन और कारण के आधार पर हमको क्या करना है, इसका स्पष्टीकरण देखना है कि कथन सही है या कारण सही है। चलिए देखते हैं। रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर पड़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। पहले तो ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, तो किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व, कोई तत्व का परमाणु है, वह क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणात्मक आयन बनाने की जो प्रवृत्ति उसमें होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक याद रखना है क्लोरीन का होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता क्या होता है, तो बहुत सारे तत्वों के परमाणु क्या होते हैं कि वह एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, इसे इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है, ध्यान में रखना है। और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों आवर्त में, जो क्षैतिज आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कॉलम होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर दोनों इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता दोनों का मान घटता है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, तो गलत हो गया कथन। अब कारण देखिए क्या कह रहा है, किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये सही है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। तो ध्यान में रखना है कथन सही है, कारण कथन गलत है, कारण क्या है आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए गलत है और आर सही है, कथन ए है कि गलत है और आर सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। है उपचयांक और तत्वों का उपचयांक निकालने के लिए बता रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अलग अलग तत्वों का दिया हुआ है। तो ध्यान में रखना है सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो एकदम ध्यान में रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी तत्व के परमाणु के ऊपर जितने आयन उपस्थित होते हैं उस आयन की संख्या को उस तत्व या परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए O2- है तो 2- है तो 2 क्या हो गया, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हो गई। जैसे ले लेते हैं आपको H2SO4, तो देखिए कोई भी आयन इस पर नहीं है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य हो जाएगी। और जैसे मान लेते हैं SO4 2- है तो SO4 2- 2 है ऊपर में तो 2 उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो ध्यान में रखना है किसी तत्व या आयन या ठीक है मूलक पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को उस तत्व परमाणु तत्व मूलक या आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो ध्यान में रखना है इसे ऑक्सीकरण संख्या कहा जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है इसमें MnO2 है, तो Mn का निकालना है आपको, तो O2 -4, O का हो गया, O का ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, तो -2 × 2 -4 हो गया Mn, x -4 = 0, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +4। ध्यान में रखना है कैसे मैंने बताया O2 है तो -2 × 2 -4, तो x -4 = 0, किसी भी यौगिक की कुल ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है क्योंकि यौगिक पर कोई आवेश नहीं होता है, तो MnO2 पर कोई आवेश नहीं है इसलिए शून्य हो जाएगा, तो x -4 = 0, तो x = 4 हो गया। फिर देखिए H2SO4 है तो ऑक्सीजन की -8 क्योंकि O4 है, तो -2 × 4 - 8, H2 का +2 तो -2 - 8 +2 - 8 + x = 0, तो x = हो गया +6, यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 हो जाएगा। फिर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, तो अभी तुरंत मैंने बताया कि CaO है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, तो कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस होगा क्योंकि कुल ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगा क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। इसी तरह से NaAlH4 है, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मैं बहुत बार बताया हूं कि धातु के हाइड्राइड की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, धातु में जो हाइड्राइड होगा हाइड्रोजन होगा, धातु के हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, तो सोडियम है, सोडियम क्षार धातु है, तो क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1, Na का +1 होगा। और एल्युमिनियम का निकालना है, एल्युमिनियम का x जोड़ लीजिए और हाइड्रोजन का -4, तो 1 + x -4 = 0, तो
तो एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा मित्रों। तो ध्यान में रखना है कि इसकी इसका जो आंसर होगा वह बी नंबर आंसर होगा। मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या +4, सल्फर का H2SO4 में +6, CaO का में कैल्शियम की +2 और NaAlH4 में एल्युमिनियम का +3 होगा। तो ध्यान में रखिए इन सब चीजों को। चलिए तो 869 हो गया। 870 नंबर प्रश्न देखते हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताता है। तो देखिए सबसे पहले क्वांटम संख्या के बारे में जान लीजिए। क्वांटम संख्या जो होता है वह क्या है क्वांटम संख्या, तो किसी भी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी जिस संख्या के द्वारा प्राप्त होती है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या चार प्रकार के होते हैं, पहला प्रधान क्वांटम संख्या, दूसरा आपको एजुमिथल क्वांटम नंबर या दिगांशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। सबसे पहले देखिए प्रधान क्वांटम संख्या जो है कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की ऊर्जा के बारे में बताता है, तथा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी इसके बारे में बताता है। जबकि दिगांशी क्वांटम संख्या आपको उपकक्षा के आकार के बारे में बताता है, जैसे एस उपकक्षा का आकार गोलाकार होता है, पी का डम्ब बेल यानी डमरूकार होता है, डी का डबल डम्बेल द्वि डमरूकार होता है, जबकि आपको एफ का आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो इसके अभिविन्यास को बताएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, अभिविन्यास को बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आपका जो ऑर्बिटल है उसका जो गति होगा उसके गति के बारे में जो क्वांटम संख्या बताएगा उसको हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। तो ध्यान में रखना है। और स्पिन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है, और इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से गति करता है, एक वामावर्त गति करेगा, एक दक्षिणावर्त गति करेगा। तो क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट करता है तो ध्यान में रखना है S=+1/2 होगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट करता है तो S=-1/2 होगा। तो ध्यान में रखें इन सब चीजों को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 870 का बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है। अभी तुरंत मैंने बताया कि देखिए आइसोटोप जो है समान परमाणु संख्या, समान प्रोटॉन की संख्या, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु भार दोनों भिन्न भिन्न होगा। ऐसे तत्वों के परमाणु को आइसोटोप्स कहा जाता है। आइसो मतलब सेम, टोप्स मतलब होगा आपको परमाणु संख्या। तो ध्यान में रखना है कि परमाणु संख्या समान होगा, प्रोटॉन की संख्या समान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या आपको भिन्न भिन्न होगा, ध्यान में रखना है। तो आइसोटोप्स जो है वह क्या है, वह समस्थानिक है, समान परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, लेकिन भिन्न भिन्न होगा। तो ध्यान में रखें इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या समान होती है, वही होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अभी तुरंत मैंने बताया। चलिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन उदासीन कण है जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होती है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ध्यान में रखना है, जेम्स चैडविक ने किया था। जबकि देखिए तीन मूल कण होते हैं, परमाणु के तीन मूल कण होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वह बाह्य कक्षा में चक्कर लगाता है जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ध्यान में रखिए, बार बार मैं क्लास में बताता हूँ कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन प्रोटॉन के बारे में जो सबसे पहले एनोड रेज की खोज की गई थी सबसे पहले तो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और ध्यान में रखना है कि बेरिलियम धातु पर जब चैडविक ने अल्फा किरण का आघात किया तो बेरिलियम धातु पर जब इन्होंने अल्फा किरण का आघात किया तो कार्बन प्लस न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। तो ध्यान में रखना है आपको कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने। तो बी आंसर हो गया 872 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अणु परमाणु कण नहीं है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। 873 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अभी तुरंत मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो कण है लेकिन ड्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रॉन जनरली पॉजिटिव चार्ज युक्त, पॉजिटिव आवेश युक्त कण होता है, ध्यान में रखना है इसको, ड्यूट्रॉन। और अभी तुरंत बताया था हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, वह पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो ड्यूट्रॉन भी कहा जाता है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित करें शून्य द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, शून्य द्रव्यमान, ठीक है, शून्य द्रव्यमान आपको हमेशा ध्यान में रखना है न्यूट्रिनो का होता है। शून्य द्रव्यमान किसका होगा, न्यूट्रिनो का होगा। न्यूट्रिनो का आपको खोज पॉली ने किया था और इन्होंने बताया कि यह शून्य द्रव्यमान वाले कण होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आंशिक आदेश, ध्यान में रखिएगा क्वार्क, क्वार्क की खोज की थी, क्वार्क की खोज आपको दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, ध्यान में रखना है आपको। क्वार्क, क्वार्क जो होता है इस पर माइनस ई बाय थ्री और प्लस टू ई बाय थ्री आवेश होता है, ध्यान में रखिएगा। मरे गेलमैन और जॉर्ज जिविक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, मरे गेलमैन और जॉर्ज जिविक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और इस पर आंशिक आवेश होता है, जैसे कि किसी भी कण पर जो आवेश होता है, किसी भी परमाणु पर जो आवेश होता है वह ई के मल्टीपल में होता है, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसके मल्टीपल में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी क्यू बराबर प्लस एन ई होता है। लेकिन इस पर जो क्वार्क पर जो आवेश होता है प्लस ई बाय थ्री और प्लस ई बाय थ्री, माइनस ई बाय थ्री और प्लस टू ई बाय थ्री होता है, ध्यान में रखना है। एक को बोलते हैं डाउन क्वार्क, दूसरे को बोलते हैं अप क्वार्क। यानी क्वार्क की खोज मरे गेलमैन और आपको मरे गेलमैन और जॉर्ज जिविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इस पर आंशिक आवेश होगा, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंशिक प्रचक्रण, आंशिक प्रचक्रण जो होता है वह पॉजिट्रॉन का होता है, प्रचक्रण मतलब स्पिनिंग मूवमेंट, और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, ध्यान में रखिएगा। पॉजिट्रॉन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का अपोजिट कण होता है और इसकी खोज एंडरसन ने किया था। और पूर्णांक चक्रण यानी इंटीग्रल, तो ये क्या होता है, किसका होगा, तो फोटोन का होता है, ध्यान में रखना है। पूर्णांक प्रचक्रण जो होता है वो फोटोन का होता है। फोटोन की खोज की थी किसने, तो आइंस्टीन ने सबसे पहले फोटोन के बारे में बताया था। इन्होंने बताया कि देखिए प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे पैकेटों का बना होता है जिसे फोटोन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु के कक्षा को भरने के क्रम नियंत्रित किए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार बताता हूँ कि देखिए सबसे पहले है परमाणु की कक्षा, उसके बाद है उपकक्षा और अंत में है कक्षक। जब भी कक्षा के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो भरेगा वो बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार भरेगा। उपकक्षा में जब भी इलेक्ट्रॉन भरेगा तो वो भरता है, आपको बार बार मैं बताता हूँ, इसके प्रिंसिपल के तहत भरेगा, ये जो है अवबाह के सिद्धांत के आधार पर भरेगा। और कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरता है वह हुंड्स के सिद्धांत के आधार पर भरता है। फिर से सुन लीजिए कि आपको तीन चीज के विषय में मैंने बताया, कक्षा कि वह पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन के भरने का सिद्धांत दिया था किसने, बोरबरी ने, बोरबरी के नियम के अनुसार उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। फिर देखिए उपकक्षा, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन आपको के पाए जाने की संभावना होती है वह कहलाता है उपकक्षा आपको। और ये उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन के भरने का सिद्धांत दिया था किसने, तो ध्यान में रखिएगा अपवाह के सिद्धांत के अनुसार भरता है। और हुंड के अनुसार आपको कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरता है, यानी आपको ऑर्बिटल जो बोल रहे हैं कक्षक, वह स्थान जो थ्री डायमेंशनल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 100% होती है उसे कक्षक कहा जाता है। कक्षक मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जाएगा आपको क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो ध्यान में रखना है इसको, तो ये ध्यान में रखिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अवबाह के, चूंकि इसमें बोरबरी का सिद्धांत नहीं दिया हुआ है ऑप्शंस में, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा अवबाह के सिद्धांत के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक तत्वों के आवर्त के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त के बारे में अभी मैंने बताया था कि देखिए आवर्त जो होता है वो क्षैतिज होता है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो मौसले के परमाणु सिद्धांत के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर उसकी व्याख्या की गई है, उसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। पहले वर्ग में आपको पता होगा कि पहला जो वर्ग होता है उसको क्षार धातु का वर्ग कहते हैं, दूसरा क्षारीय मृदा धातु, 3 से लेकर 12 तक के वर्ग जो होते हैं वो संक्रमण धातु के वर्ग होते हैं, और 13 से लेकर के 13वां वर्ग जो है वो भी धातु का वर्ग है लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन 14 से लेकर के 18 तक अधातु के वर्ग कहे जाते हैं। 14 को जनरली हम लोग कार्बन वर्ग कहते हैं, 15 को नाइट्रोजन वर्ग कहते हैं, 16 को ऑक्सीजन वर्ग कहते हैं, 17 को हेलोजन वर्ग कहा जाता है, जबकि 18 को अक्रिय गैस का वर्ग कहा जाता है, इनर्ट गैसेस का वर्ग कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए इन सब चीजों को, तो किसी भी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। अब देखिए यहाँ आयनन विभव बोल रहा है, तो आयनन विभव जो होता है क्या होता है, तो कोई भी तत्व का परमाणु जो है जितना ऊर्जा देंगे उसको, जिसके द्वारा वह एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो जितनी ऊर्जा की मात्रा उसको दी जा रही है उस ऊर्जा की मात्रा को ही आयनन विभव कहा जाता है। और आयनन विभव आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो ये गलत हो गया आपका, किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है, गलत है आपका।
क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आपको आयन विभव का मान बढ़ता है। चलिए, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, परमाणु भार बढ़ता है तत्वों के किसी एक वर्ग। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि देखिए आपको आयनन विभव आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो होता क्या है, तो आपको बता चुका हूं मैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। तो किसी भी तत्व के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो जितना ऊर्जा बाहर निकलेगा उस ऊर्जा की मात्रा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ध्यान में रखना है, घटता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, कम होती है, तो सही बात है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, ये सही है। किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, तो मित्रों ये भी गलत हो गया, क्योंकि अभी तुरंत मैंने विद्युत ऋणात्मकता के बारे में भी बताया था कि देखिए बहुत सारे तत्वों के परमाणु में यह गुण पाया जाता है कि वह एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और यही गुण क्या कहलाता है, आपको विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, तो ध्यान में रखना है कि ये भी गलत हो गया आपका। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो केवल दो नंबर कथन का सही है, तो ध्यान में रखिए इन सब चीजों को। अब देखिए थोड़ी सी और जान लीजिए बातें कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक मैंने आपको बताया क्लोरीन का होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है, आयनन विभव सबसे अधिक आपको हीलियम का होता है। तो ये तीन चार चीजें जो है वो ध्यान में रखिए, याद रहना चाहिए आप लोगों को, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व ठीक है इस ऑप्शंस के आधार पर यूरेनियम है, ध्यान में रखिएगा इसमें यूरेनियम है, लेकिन ऐसे सबसे अधिक भारी तत्व जो है ऑस्मियम होता है, ध्यान में रखना है यूरेनियम, क्योंकि सबसे अधिक घनत्व भी जो है वह ऑस्मियम का ही होता है, ध्यान में रखिए इन सब चीजों को। चलिए, तो यूरेनियम इस ऑप्शन के आधार पर, यूरेनियम की खोज कैलप्रोथ ने किया था, ध्यान में रखिएगा। यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कजाकिस्तान करता है और भारत जो है 12वें नंबर पर यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादक देश है। चलिए, तो इस ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ध्यान में रखना है कि कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है वह टूटकर जो बनाता है तत्व बनाता है वह लेड बनाता है, याद रखना है। अंतिम तत्व जो है किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंतिम तत्व जो है वह लेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आणविक संरचना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान में रखिए परमाणु के मैंने तीन प्रकार के कण बताए थे, थोड़ा सा परमाणु के बारे में जान लेते हैं। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है, जबकि अणु जो है यौगिक का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था, और अगर हम प्राचीन समय की बात करते हैं तो परमाणु के बारे में सबसे पहले कन्नाद ने बताया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। और यह भी ध्यान में रखना है कि परमाणु के तीन मूल कण होते हैं, जिसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, ये ध्यान में रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है, ध्यान में रखिए इन सब चीजों को। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया था। आगे बढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था 879 नंबर प्रश्न देखिए, बी ऑप्शन होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं, फिर वही क्वेश्चन आ गया, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान में रखिए। प्रोटॉन की खोजकर्ता मैंने बताया आपको किसने, तो रदरफोर्ड ने, लेकिन अगर नहीं रहेगा रदरफोर्ड तो क्या मरेंगे, गोल्डस्टीन, क्योंकि एनोड रेज से ही प्रोटॉन का निर्माण हुआ है और एनोड रेज की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। आगे बढ़ते हैं, परमाणवीय नाभिक की खोज किसने की थी, देखिए बड़ी बढ़िया बहुत अच्छा प्रश्न है, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही बताया था कि परमाणु के केंद्र में ठीक है संपूर्ण द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश केंद्रित रहता है, इसे ही नाभिक कहा जाता है। नाभिक का आकार 10^-15 मीटर होता है और इसी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, तो ध्यान में रखिए रदरफोर्ड ने बताया था। डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था आधुनिक समय में, आइंस्टीन ने आपको मैंने बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। याद रखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज सबसे पहले मिलिकॉन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, देखिए संरूपण धातु यानी संक्रमण धातु, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं, और संक्रमण धातु के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान में रखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2882, तो इस ऑप्शन में ध्यान में रखिए 2882 जो है वह संक्रमण धातु है।
किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्षार धातु होता है, ध्यान में रखिए क्षार धातु होता है, 2, 8, 1 तो क्षार धातु वाले वर्ग हो गए। 2, 8, 7 अगर है तो 2, 8, 7 अगर है, मान लीजिए अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हेलोजन वर्ग का धातु है, ठीक है, हेलोजन वर्ग का तत्व है, धातु नहीं, हेलोजन वर्ग का तत्व है, हेलोजन अधातु होते हैं। और अंत में ध्यान में रखना है कि अगर अंतिम कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो जो है वह अक्रिय गैस या एनर्ड गैस होता है, 16वें वर्ग में पाया जाता है और 18वें वर्ग में भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से, 883 नंबर देखिए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किससे में बनता है, तो तत्व में बनता है, तत्व जो है एक ही तत्व के एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, ध्यान में रखना है, एक ही तत्व के एक ही प्रकार के परमाणु से आपका तत्व बना होता है। तत्व ये भी ध्यान में रखना है कि तत्व जो है वह तत्व के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने बताया था और आधुनिक समय में 118 तत्व है और इसे आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो 118 वर्तमान में तत्व हैं, तो ध्यान में रखिए। तो 883 नंबर का आंसर सी होगा कि आपको शुद्धतम परमाणु जो है वो क्या होता है, वो आपको तत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या जैसे ही आपको बोलेगा तो किसी तत्व के परमाणु में कुल प्रोटॉन एवं कुल न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए तो वो परमाणु द्रव्यमान संख्या होगा, और प्रोटॉन की संख्या या उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, तो इसका 2+2 = 4 हो जाएगा परमाणु संख्या, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण प्रतिकण है, तो प्रोटोन का अभी तुरंत बताए थे एंटी प्रोटोन होगा प्रतिकण, तो यहाँ पर प्रोटोन और न्यूट्रॉन दिया हुआ गलत है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि देखिए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता आपको जे थॉमसन, पॉजिट्रॉन का एंडरसन और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो है वह पॉजिट्रॉन होता है। फोटोन आपको पता है फोटोन क्या होता है, तो प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों का बना होता है जिसे फोटोन कहा जाता है, और ई बराबर एच न्यू को फोटोन कहते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है, तो आपको पता होगा कि परमाणु बम जो है नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है, परमाणु बम का निर्माण सर्वप्रथम ओपेनहेमर ने किया था, परमाणु बम का सिद्धांत जो है वह ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने दिया था, और परमाणु बम में वर्तमान समय में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि परमाणु बम में 92U-235 का उपयोग किया जाता है, और सबसे पहले परमाणु बम यूएसए ने 1945 में बनाया था और भारत ने प्रथम परमाणु बम परीक्षण जो है 1974 में किया था, और इसका नाम जो रखा गया था आपको पता ही होगा इस्माइल बुद्धा के नाम से रखा गया था 1998 में, फिर परमाणु बम का परीक्षण किया गया, द्वितीय परमाणु बम परीक्षण किया गया 1998 में और इसका शक्ति 98 नाम रखा गया था, प्रथम बार इंदिरा गांधी के समय में और द्वितीय बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसका परीक्षण किया गया था। चल गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र का में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल रेखाओं की दिशा में हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, देखिए आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो इसका वेग घटता है, और जैसे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवेश करेगा, विपरीत दिशा की ओर जाएगा तो उसका वेग बढ़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल रेखाओं की दिशा में होता है, ध्यान में रखिएगा दिशा में जैसे ही होगा तो वेग घट जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही कोई भी आवेश पर बल लगता है तो एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, तो जब भी क्यू वी बी साइन थीटा दिशा में होगा तो साइन थीटा का मान 0 डिग्री होगा, उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, इसलिए वेग का मान क्या होगा, घट जाएगा, जबकि 90 डिग्री पर अगर होगा तो वेग महत्तम होगा, तो ध्यान में रखना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री पर प्रवेश करेगा या विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री पर प्रवेश करेगा तो महत्तम उस पर बल लगेगा, उसका वेग महत्तम होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान में रखिए इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाता है, तो 887 नंबर का आंसर होगा सी नंबर। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं प्रश्न को। एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल रेखाओं की दिशा में है तो एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा मैंने बताया, और थीटा का मान 0 डिग्री होगा, तो जब भी 0 डिग्री होगा तो आपको बल जो है न्यूनतम हो जाएगा, बल न्यूनतम होगा तो वेग भी न्यूनतम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक रेडियो एक्टिव क्षय में परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कण जो उत्सर्जित होगा वह क्या होगा, ठीक है ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है कि
यदि एक रेडियो एक्टिव क्षय में परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो तो क्या होगा। तो देखिए, अगर अगर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि केवल फोटोन यदि कोई तत्व का परमाणु उत्सर्जित करता है तो उसके परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्फा किरण अगर उत्सर्जित करेगा तो परमाणु संख्या 2 अंक घट जाएगा, द्रव्यमान संख्या 4 अंक घट जाएगा, और अगर बीटा किरण उत्सर्जित करेगा तो परमाणु संख्या में 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर गामा किरण उत्सर्जित करता है, यानी फोटोन अगर उत्सर्जित करता है, या विद्युत चुंबकीय तरंग अगर उत्सर्जित करता है, तो उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या या उसके प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान में रखना है। तो ये देखिए दीजिए, क्या उत्सर्जित करेगा, तो वो फोटोन का उत्सर्जन करेगा। तो क्या होगा, फिर से प्रश्न देखिए, यदि एक रेडियो एक्टिव क्षय में परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह गामा किरण का उत्सर्जन करेगा। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग छोटे छोटे पैकेट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा होता है, क्वथनांक, घनत्व, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या। आपको पता होगा कि मोसले के अनुसार किसी भी तत्व का मौलिक गुण उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो सबसे मौलिक गुण जो है किसी भी तत्व का वह परमाणु संख्या होगा, और परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है, यह सबसे पहले मोसले ने बताया था। और परमाणु संख्या याद रखना है कि किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटोन की संख्या या उदासीन परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समस्थानिक C14 का उपयोग किसमें किया जाता है, तो C14 का प्रयोग 890 नंबर प्रश्न है, समस्थानिक C14 का संबंध किससे है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि C14 के द्वारा हम लोग पता करते हैं आपको फॉसिल्स की आयु का, यानी जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए C14 यानी कार्बन-14 पद्धति का प्रयोग करते हैं, जबकि यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने में, जबकि आपको पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि जो है वह पृथ्वी के अंदर जो सेल है उस सेलों के आयु का पता लगाने में करते हैं, जबकि रुबिडियम स्ट्रोंसियम डेटिंग का प्रयोग दूसरे ग्रहों से लाए गए पिंडों या पदार्थों के आयु का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान में आप लोग रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अणु या आयन दिए हुए हैं और उसकी संरचना दी हुई है, हमको पता ये करना है कि किसकी संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले दिया हुआ है बोरोन टेट्राफ्लोराइड BF4, और ध्यान में रखिए कि BF4 का जो संरचना होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है। उसके बाद BRF4 दिया हुआ है, और इसकी संरचना जो स्क्वायर प्लानर होता है BRF4, ब्रोमीन टेट्राफ्लोराइड इसकी संरचना जो होती है वह स्क्वायर प्लानर होता है। BRF5 दिया हुआ है और इसकी संरचना तो BRF5 की संरचना होती है वह BRF5 की जो संरचना होती है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। और अंत में दिया हुआ है फॉस्फोरस टेट्राफ्लोराइड PF5 का, और इसका जो होता है स्क्वायर बाय पिरामिडल होता है। फिर से सुन लीजिए, ठीक है, बोरोन टेट्राफ्लोराइड की संरचना जो होती है टेट्राहाइड्रल होती है, ब्रोमीन टेट्राफ्लोराइड का संरचना स्क्वायर प्लानर होता है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड की संरचना BRF5 की संरचना ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है, और PF5 की संरचना स्क्वायर बाय पिरामिडल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या होता है, ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ध्यान में रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से आपका ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, और CFC मैं बार बार बताता हूँ कि देखिए, पृथ्वी से ऊपर 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है जो समताप मंडल में स्थित है, और इस ओजोन परत में धीरे धीरे छिद्र होता जा रहा है, और इस छिद्र का मुख्य कारण CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो जे.जे. थॉमसन द्वारा प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था, ध्यान में रखना है, जे.जे. थॉमसन ने सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। चलिए, दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, तो क्या कहेंगे। देखिए, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है, तो आपको कुछ नहीं करना है, समस्थानिक है, क्या है, समस्थानिक है। किसी तत्व की परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो ऐसे तत्वों के परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, तो ध्यान में रखिए।
तो परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों का ध्यान में रखिए समान है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। किसी तत्व के परमाणु में अगर परमाणु संख्या समान हो, ध्यान से सुनिएगा, परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि कैल्शियम है परमाणु संख्या 20 है और आपको आर्गन है परमाणु संख्या 18 है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो गया लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो ऐसे तत्वों के परमाणु को समभारिक कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, समस्थानिक परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, समस्थानिक कहलाएगा। समभारिक परमाणु संख्या समान नहीं होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होगा, ऐसे तत्वों के परमाणु को समभारिक कहते हैं। फिर देखिए सम न्यूट्रॉनिक, परमाणु संख्या जो है वह भिन्न भिन्न होगा लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। तो ये सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का होता है, उसके बाद आ जाइए फ्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, अंत में आयोडीन का। तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परमाणु न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बनने वाले मूल कणों को क्वार्क नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि देखिए क्वार्क की खोज मरे गेलमैन और जॉर्ज जेविग ने किया था और इस पर आवेश जो होता है वह -e/3 और +2e/3 के रेस्पेक्ट में होता है। ध्यान में रखना है +2e/3 को हम अप क्वार्क कहते हैं और -e/3 को डाउन क्वार्क कहते हैं। तो मरे गेलमैन ने किया था क्वार्क की खोज, ध्यान में रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी नाभिक 897 नंबर प्रश्न, किसी नाभिक में गामा क्षय में क्या होता है? देखिए गामा क्षय में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अगर अल्फा क्षय होता है तो परमाणु संख्या 2 अंक घट जाएगा, द्रव्यमान संख्या 4 अंक घट जाएगा। अगर आपको बीटा क्षय होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और गामा क्षय होता है तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अप्रभावित रहती है। तो ध्यान में रखिएगा, तो न तो परमाणु संख्या प्रभावित होगा न तो द्रव्यमान संख्या प्रभावित होगा, तो न तो नाभिक का द्रव्यमान संख्या बदलता है न ही परमाणु क्रमांक बदलता है, तो डी नंबर ऑप्शन होगा, नाभिक से अगर गामा क्षय होता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चलिए देखते हैं क्या है कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न में कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो आपको ये सही है क्योंकि आपको देख लीजिए हाइड्रोजन में 3 तत्व के 3 परमाणु है, तीनों का क्या है आपको द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, हो सकता है। विभिन्न तत्वों में परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, एकदम सही है। परमाणु द्रव्यमान जैसे अभी तुरंत आर्गन का हमने देखा था कि 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो सकता है परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होने पर भी। किसी तत्व के सभी परमाणु के प्रोटॉन संख्या समान होती है, एकदम सही है। अगर समान तत्व है तो परमाणु संख्या हमेशा समान होगा, अलग अलग नहीं होगा, जैसे ही प्रोटॉन संख्या बदल जाएगा ठीक है तो परमाणु संख्या भी भिन्न भिन्न हो जाएगी, तो ध्यान में रखना है। किसी तत्व के सभी परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होती है, गलत है आपको। न्यूट्रॉन की संख्या हर तत्व के परमाणु में समान भी हो सकता है और भिन्न भिन्न भी हो सकता है, ध्यान में रखना है आपको, ये गलत हो गया आपको। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 898 का डी, ध्यान में रखना है किसी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ठीक है, परमाणु की न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान नहीं हो सकता है ठीक है, भिन्न भिन्न भी हो सकता है समान भी हो सकता है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, सही बात है। हाइड्रोजन का आवर्त सारणी जब शुरू होता है तो हाइड्रोजन से ही शुरू होता है। हाइड्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया, तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। आपको पता होगा कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व जो है वह हाइड्रोजन ही पाया जाता है, तो ध्यान में रखिए इसको। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, ये आपको गलत हो गया। हाइड्रोजन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके आपको समस्थानिकों का अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं होते, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो होते हैं भाई ठीक है, गलत हो गया ये। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक गुणधर्म ठीक है उसके इलेक्ट्रॉन, उसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि क्षार धातु के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्षारीय मृदा धातु अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, संक्रमण धातु 2 इलेक्ट्रॉन ठीक है। आपका अगर हम कार्बन वर्ग की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन वर्ग की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन ठीक है। अगर हम
अगर हम ऑक्सीजन वर्ग की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन, अगर हम हेलोजन की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन, और अक्रिय गैस का तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर किसी भी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है, ध्यान में रखना है, किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है उसके अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर निर्भर करता है। चलिए भौतिक परिवर्तन परिवर्तन का एक उदाहरण है, कौन सा है, तो पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। हवा में चांदी की परत का, देखिए चांदी के बर्तन काले हो जाते हैं, जनरली यह क्या करता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके ठीक है आपको सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण इसका कलर जो होता है वह काला हो जाता है। और दूध से दही का बनना यह भी आपको रासायनिक परिवर्तन है। तो पानी में चीनी का घुलना यह भौतिक परिवर्तन है। तो आज का ये जो वीडियो है ये मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ढेर सारा आप लोगों को सुभाषीष, घर में अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, और लॉकडाउन का पूर्ण पालन कीजिए। निश्चित रूप से लॉकडाउन के उपरांत जो है जैसे ही कोचिंग खुलेगा तो मुलाकात होगी हम लोगों की, और तत्काल जो मैं प्रश्न और पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो डिस्कशन और क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, इसको देखिए और डिस्कशन से ये लाभ उठाइए। ढेर सारा आप लोगों को धन्यवाद, और लगे रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, ठीक है, और ओबे लॉकडाउन। जय हिंद, जय भारत।